मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में फर्जी नियुक्तियों की बात पर पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश महामंत्री मधु शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बड़ा कि अलका लांबा ने मधु शर्मा को जूता मारकर बाहर करने की बात कह दी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई महिला कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में नाम नहीं लेने पर सिंगरौली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा भड़क गईं। उन्होंने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को जमकर खरी खोटी सुनाई। विवाद इतना बढ़ा कि अलका लांबा ने मधु शर्मा को जूता मारकर बाहर करने की बात कह दी। इस पर मधु शर्मा बैठक से बाहर निकल आईं। उन्होंने अलका लांबा और विभा पटेल पर बदसलूकी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में भी हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। अर्जुन सिंह के जमाने से कांग्रेस में है, सीनियर हूँ, अलका लांबा तो आज आई हैं। 10 बार आप पार्टी में गई, इनका तरीका ठीक नहीं, यह अव्यवहारिक महिला है। सिपाही के रूप में हम लोगों की वहाँ पे भर्ती हुए थे, तब से लेके हम लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों में रही हूँ। बड़े बड़े मंत्री पुत्रों को हरा के मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, सीधी सिंगरौली के कुंवर अर्जुन सिंह जी के कृपा से। जिला पंचायत सदस्य आज भी 22,000 का रिकॉर्ड है जिला पंचायत सदस्य में, पुरुषों को हरा हरा के हम लोग बने हैं। किसी का जाने तो इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए हमको, हम खा के जाएंगे, आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।